नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भारत में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब यह मामले 1 लाख से ज्यादा भारत में हो चुके हैं। आज जब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल ने देशवासियों के लिए एक अच्छी बात कही। दरअसल भारत में जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उतनी ही तेज रफ्तार से लोग ठीक भी हो रहे हैं। पहले यह प्रतिशत लगभग 27 से 28 प्रतिशत था, जो बढ़ते हुए 33% तक हुआ। और आज अच्छी खबर यह आई है कि कोरोना संक्रमित पेशेंट जो ठीक हो गए हैं उनका प्रतिशत अब लगभग 40% है। यानी कि भारत में अभी तक 40,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है देशवासियों के लिए। इस नेगेटिव वातावरण में जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश में हम सब लोग डरे हुए हैं, इस बीच यह अच्छी खबर है कि देश में 40% लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे वो ठीक हो गए। तो जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हमने लॉकडाउन स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ पर रिकवरी रेट अराउंड 7.1% था। एफर्ट्स करते रहे, फोकस रहा कि हम कोशिश करें कि हम अर्ली केस आइडेंटिफिकेशन करें, उसके साथ ही जो हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो भी पॉजिटिव केस है उस पर हम एफर्ट करें। तो उसके तहत हमने देखा कि यह रिकवरी रेट बढ़ते हुए सेकेंड लॉकडाउन जब हमारा शुरू हुआ तो 11.42% के करीब था। धीरे धीरे बढ़ते हुए वह 26.59% हुआ और आज हम पाते हैं कि अराउंड 39.62%, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 40% लोग जो कि कोविड पॉजिटिव पाए गए वह रिकवर हो चुके हैं।